मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का अधिक स्वागत और अभिनंदन। जो चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो UP SSC से बहुत ही बिग अपडेट आई है, नोटिफिकेशन आ गया है, बिग अपडेट आई है एक, किसको लेके ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनक 13 जुलाई 2023 को आई है ये अपडेट। ये देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 जो 2022 में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई थी, 2022 के विज्ञापन संख्या के आधार पर, पैट 2021 के आधार पर, उसका जो शॉर्टलिस्ट पैट 2021 के आधार पर किया गया, उसका जो आपका कट ऑफ है वो आ चुका है। आइए देखते हैं, ये देखिए आप लोग के अंतर्गत कुल 1262 पद थे और पेट के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार मुख्य परीक्षा आर पाए गए अभ्यर्थियों का कट ऑफ। तो ये देखिए आप लोग, कट ऑफ का डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। श्रेणी कट ऑफ पेट 2022 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर, जो आपने परसेंटाइल में नहीं है, नॉर्मलाइज जो स्कोर होता है उसके आधार पर कट ऑफ जारी होता है। तो आपका अनरिजर्व का जो गया है वो 71.87 गया है, अनुसूचित जाति का ST का 69.02 गया है, अनुसूचित जनजाति ST का 54.53 गया है कट ऑफ आपका, और मेन पेपर के लिए अन्य OBC का 71.87 गया है और EWS का 71.87 गया है। तो अनरिजर्व और EWS OBC तीनों कट ऑफ सेम है। तो आप लोगों ये देखिए, ये कट ऑफ गया है। उसके बाद फिर तो जिन कट ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर के जिनके पेट 2021 में मार्क्स हैं वो इस परीक्षा में बैठने के लिए आ रहे हैं, 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए, जूनियर असिस्टेंट 2022 की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके पेपर के कट ऑफ जारी कर दिया गया, शॉर्टलिस्ट हो गया है। तो आप लोगों ने कट ऑफ देखा, तो इस प्रकार से ये कट ऑफ है। तो आप लोग अपने मेन की तैयारी के लिए जुट जाइए, और ये जो सेकंड वीडियो आएगा वो मेरठ सिलेबस के बारे में आएगा, इसका जो सिलेबस है वो भी नोटिफिकेशन, वो इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, वो भी जारी हो चुका है 13 जुलाई को, उसका भी आयोग ने अपने वेबसाइट पे पोस्ट किया है। तो उसका जो सेकंड वीडियो होगा वो आपको डिटेल सिलेबस के बारे में क्या क्या आएगा मेंस के पेपर में उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।